चांदबाग में 4 घंटे तक पत्थरबाजी होती रही। दंगाइयों का पार्षद के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला। हिंसा से अब तक 10 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं दोबारा चुनाव जीता तो बाजार में रॉकेट की तरह उछाल आएगा, हारा तो बाजार क्रैश हो जाएगा। ओवैसी की पीएमओ से अपील, दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती हो, कहा पुलिस हिंसा फैलाने वालों से मिली हुई है। 53 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने 26 सवालों के जवाब दिए। सीएए पर कहा, यह भारत का अंदरूनी मामला है, उम्मीद है वे उचित फैसला करेंगे। शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बयान, पीएम ने ट्रंप को भी बेवकूफ बना दिया है। ट्रंप ने कहा था, मेरा 1 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ 1 लाख में निपटा दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत में क्षेत्रीय आतंकवाद नहीं है, अमेरिका और हॉलैंड में है, कश्मीर में भी जो आतंकी है वह भी भारी लोग हैं। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच देर रात मुठभेड़, सामान छोड़कर भागे नक्सली। गोला बारूद की फैक्ट्री के लिए रिलायंस को शिवपुरी में जमीन मिली, 1.5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। अमित सोनी के खिलाफ मानव तस्करी के आरोप में चालान पेश, पुलिस बोली माय होम में लड़कियों को अवैध तरीके से रख शोषण किया जाता था।